Assalamualaikum. With you, we are providing the high fee ABL Amazon services to Amazon seller. Welcome करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पर. अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास रिगार्डिंग ड्रॉप शिपिंग है. हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग में आप किस तरह, किस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग जो है उसके मॉडल को फॉलो उस वक्त करते हैं जब हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट कम होती है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब आपके पास कम है तो आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं. और ड्रॉप शिपिंग के मल्टीपल मेथड्स हैं. ठीक है, आप वॉलमार्ट टू अमेजोन करते हैं. ठीक है, अमेजोन टू अमेजोन करते हैं, बहुत मेथड है. आज जो मैं आपको ड्रॉप शिपिंग बताऊंगी उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जो है वो सोर्स करेंगे चाइना से. ठीक है, जो हम लोग पर्सनली कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग उसमें जो है वो हम लोग डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल वेयर हाउस है तो हम वहां से जो है वो सोर्स करके अपने प्रोडक्ट को शिप करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास सीन ये है कि आपके पास जो अमेजोन प्राइम होता है वो चूंकि हर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता तो आप ऐसे करेंगे कि अलीबाबा से सोर्स करके तो आप अमेजोन यूएई पे बेचेंगे. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है. हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे पहला क्राइटेरिया आपके पास ये है कि प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल ऑन अलीबाबा, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अलीबाबा पे अवेलेबल हो. ठीक है, आपने कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना है, जैसे मैंने ये यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन किया हुआ अमेजोन यूएई में. ठीक है, आपने यहाँ से पहले सबसे अपना एड्रेस मस्ट चेंज करना है. ठीक है, ताकि आपको रेलिवेंट रिजल्ट शो हो. जैसे आपके पास ये वाटर बलून्स है, ठीक है, वाटर बलून्स बंच है, तो आप ऐसे करो उसको देख लो कि ये अलीबाबा पे अवेलेबल है कि नहीं है. ठीक है, आप अलीबाबा पे जाएंगे यहाँ से, वहां से आपको पता है अलीबाबा का सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि आपने अलीबाबा पे जो भी चीज परचेज करनी है आप लोग क्या करें वहां पे जो है वो हम लोग क्राइटेरिया देख लेते हैं. जैसे आपका प्रोडक्ट क्या था, आपका प्रोडक्ट था वाटर बलून्स पंच. ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप करके देख लें वाटर बलून्स पंच. ठीक है, आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है आपने यहाँ से मैच कर लेना है. ये देखिए हमारे पास काफी ज्यादा रिजल्ट्स आ गए हैं. ठीक है, ये हमारे पास ये वाला मैच कर रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ. आपने देख लेना, देखिए इसका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है. हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारे पास जो भी सप्लायर हमने शॉर्ट लिस्ट करना है उसका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है. ठीक है, सी एन सप्लायर है ये आपके पास. ठीक है, आप यहाँ से इसको कॉन्टेक्ट कर लो, जो भी आपको समझ आती है ना आप उसको यहाँ पे अपना अकाउंट डाल के पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे उससे कांटेक्ट कर लोगे. ठीक है, जो भी आपने शॉर्ट लिस्ट करनी है, अगर फॉर एग्जांपल ये भी है, ये देखिए इसका 5 साल का एक्सपीरियंस है. और दूसरी बात है आपका ये सप्लायर वेरीफाइड होनी चाहिए, उसके पास ये बैचेस भी 3 हो. ठीक है, देखिए 3 बैचेस भी हैं, वेरीफाइड भी है, 5 ईयर एक्सपीरियंस भी है. ठीक है, इसका MOQ भी अच्छा है आपके पास, आप इसको भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये वाला ये देखें इसके पास 200 पीसीस ये आपको $0.74 के जस्ट दे रहा है. तो देखिए आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कितने अच्छे बनते हैं. अगर आप चाइना से सोर्स करते हो ना तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे बनते हैं. ठीक है, दूसरी चीज है हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग ये क्या रहे हैं, हमारे पास वेयर हाउस है तो हम वहां से भी अपने प्रोडक्ट सोर्स कर लेते हैं. ठीक है, यानी आपके अकाउंट के वो अकाउंट के सस्पेंड होने का हमारे पास खतरा नहीं रहता. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज है कि आपके पास नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, देयर शुड बी 5 FBM सेलर्स. जो भी आपकी लिस्ट है उसके पास कम से कम 5 FBM सेलर हो. ये देखें ये इस लिस्ट पे 19 सेलर बैठे हुए हैं. ठीक है, मी टू करके, तो आपने इनमें से देखना कौन से FBM है. पहला तो शिप फ्रॉम amazon.ae है, ये देखें दूसरा भी FBA कर रहा है, ये देखें तीसरा FBM कर रहा है. जो बंदा शिप कर रहा है वही सोल्ड कर रहा है. ठीक है, तो आपने देख लेना जो शिप और सोल्ड का सोल्ड सेम सेलर है तो दे आर FBM. ये देखें ये भी FBM कर रहा है. ठीक है, आपने देख लेना एटलीस्ट आपके पास 5 लोग यहाँ पे FBM कर रहे हो. ठीक है,
यहाँ से आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि प्राइस शुड बी मोर देन 30 AED, 30 दिरहम से ज्यादा प्राइस हो। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये लिस्ट पे 8 है इसकी प्राइस, ठीक है 8.99 है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट उठा लें जिसकी प्राइस जो है वो 30 AED हो, कम से कम ना उससे ज्यादा, बल्कि जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतने अच्छे आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बनेंगे। ठीक है, आपके पास जो कि ड्रॉप शिपिंग में प्राइस जितनी अच्छी लेंगे उतने अच्छे आपके पास प्रॉफिट मार्जिन होंगे, और आपके रिव्यूज मोर देन 50 होने चाहिए। देखिए इसकी रेटिंग जो है 3.23 है, विच इज गुड, आपके रिव्यू जो है वो 50 से ऊपर हो। उसके बाद प्राइस डिफरेंट एट लीस्ट 8 AED, आपके पास जो प्राइस डिफरेंस है ना वो कम से कम 8 दिरहम हो। यानी एक सेलर फर्ज करे बेच रहा है हमारे पास 40 का, तो दूसरा जो है वो बेच रहा हो 32 का। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक 50 का बेच रहा है तो दूसरा 40 का बेच रहा हो तीसरा, यानी जितने सेलर्स हूँ उनमें कम से कम मोस्ट ऑफ द सेलर्स, यानी कि सारे मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो है आपके पास उनका जो प्राइस का डिफरेंस है इट शुड बी मोर देन 8 AED, ठीक है, या फिर 8 भी हो सकता है, या फिर इसके राउंड अबाउट भी आप इसको ले सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड बाय FBM सेलर्स, प्रोडक्ट जो है वो FBM सेलर्स बेच रहे हूँ, दैट इज गुड पॉइंट। उसके बाद आपका प्रोडक्ट इट शुड नॉट बी ग्लासी एंड इट शुड नॉट बी गेटेड, आप देख लें ग्लासी ना हो, उसके बाद गेटेड ना हो, एंड प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी 8%, कम से कम आपको 8% तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बचता हो। अच्छा, इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे आप लोग ले लो ईबे ले लो, वॉलमार्ट ले लो, जहां से भी आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, हम वहां से ड्रॉप शिपिंग नहीं करते, हम सेफ तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप इन लोग जो है वॉलमार्ट ईबे से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, जो भी आपके पास देखें जो भी मार्केट आपके पास, चूंकि मैं दुबई हो पक्के, दुबई पे जो भी आपके पास मार्केट है आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये क्या कहते हैं, जो भी आपके पास वेयर हाउस वगैरह है या जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है, जिस तरह भी मतलब आप करना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर जो प्राइस है, आपने क्या करना है, उस प्राइस में आपने 30% वैट ऐड करना है, दैट इज फॉर UAE। ठीक है, वैट ऐड कर लो, उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें 3 दिरहम जो है वो शिपमेंट की प्राइस ऐड करनी है। ठीक है, इस तरह ऐड करके आपने प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करना होता है, ये मेथड हमारे पास होता है। अच्छा, उसके बाद आपने अमेजोन पे आके अगर हंटिंग करनी है तो आप amazon.ae पे आके हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पे, आप यहाँ से एड्रेस चेंज करें, ठीक है, यहाँ से जो भी चीज आपको समझ आती है, फॉर एग्जाम्पल लिख दें सिल्वर, जिस भी तरीके से, जिस जैसे देखे मैं जो भी तरीका यूज करती हूँ, आपने वर्ड लिखा, उसके बाद अमेजोन आपको सजेस्ट करता है, फर्ज करें सिल्वर चेन है। ठीक है, आप यहाँ से आके हंटिंग कर सकते हो, जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना, आप उस क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हो। अच्छा, एक चीज आपने जो है वो ईग्रो यूज नहीं करना, इंतहाई फजूल टूल है, उससे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद आपके जो है वो आपने चेक कर लेना ना, ये आपने जैसे ये प्रोडक्ट निकाला, आप इसको चेक कर ले, जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ये अलीबाबा पे है कि नहीं है, इसके रिव्यूज कितने हैं, और आप कोशिश करें कि आप जो प्रोडक्ट चूज करें आप उसमें जो प्राइस आपने सेट करनी है ना वो दूसरे या तीसरे नंबर पे हो। ठीक है, या फिर अगर पहले में है तो फिर तो वेल एंड गुड है। फॉर एग्जाम्पल सबसे हाइएस्ट प्राइस, एक लिस्ट पे 5 लोग है, सबसे हाइएस्ट प्राइस जो है वो 39 है, और आप उस लिस्ट पे जाते हो, ठीक है, तो आप ऐसे करो, आप 30 तीसरे की 36 है तो आप भी 36 सेट कर लो, लेकिन दूसरे या तीसरे बंदे की प्राइस सेट कर लो। लेकिन अगर आप पहले की करते हो, आप 39 अगर हाईएस्ट प्राइस है, लोएस्ट प्राइस आप फॉर एग्जांपल है 30 कर लें, ठीक है, तो अगर आप 29 का आके बेचते हो, ठीक है, फर्स्ट प्राइस में आप कम्पीट कर रहे हो, तो फिर तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इस तरह करके आप जो है वो चीजें देख सकते हो। आपने अलीबाबा पे जो है वो चेक करना होता है, अलीबाबा मैंने आपको मेथड बता दिया, और जो फीस होती है, आपने जो भी फीस चेक करनी होती है, डेफिनेटली जब आप लोग जो है वो अमेजोन की, आपको पता है 15% फी होती है, ठीक हो गया, अगर आप FBM कर रहे हो तो आपके पास ये 15% होगी, अगर आप FBA कर रहे हो तो ज़ाहिर है आपको जो है वो रेफरल फी भी पड़ेगी, अमेजोन के वेयर हाउस में रखने की फी भी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप FBM कर रहे हो तो आप जो भी आपको सर्विस अवेलेबल है, DHL की, FedEx की, जो भी आपको सर्विस अवेलेबल है आप वो यूज कर लो, इस क्राइटेरिया को यूज करके जो है वो आप लोग इजीली प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो।
और लास्ट में ये अनाउंसमेंट, अगर हमारे साथ कोई बंदा काम करना चाह रहा, कोई इन्वेस्टर है, ये अच्छा सीजन है सेलिंग का, अगर आप लोग होलसेल करना चाह रहे हो या फिर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट करके ऐड हो सकते हो, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टास्क दे के हमारी टीम से काम करवा सकते हैं, ठीक है। आपको बड़े अच्छे तरीके से हर चीज जो मिलेगी आपको, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल जो है वो उनका सीजन चल रहा है। अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं, आप कहीं पे ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, तो आप अमेजोन पे मस्ट काम करें, अमेजोन क्या बल्कि हर एक मार्केट से या आप काम करें, अमेजोन से स्टार्ट करें और हर एक मार्केट में जाए, ठीक है। आप इन लेक्चर को अच्छे तरीके से समझे सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक मस्ट किया करें, देखें ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।